दोस्तों आईपीएल 2024 की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों कुछ समय पहले सभी कैप्टन्स का फोटोशूट हुआ था। आईपीएल की जितनी भी टीम्स हैं उन सभी के कैप्टन्स ने एक फोटोशूट किया था। उसमें हमें जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो कैप्टन दिखाई दे रहे थे वो ऋतुराज गायकवाड़ दिखाई दे रहे थे, ना कि धोनी। बाद में जब चेन्नई सुपर किंग्स के ऑफिशियल अकाउंट से जब पता चला कि धोनी ने अपनी जो कैप्टनसी है उसे हैंड ओवर किया है ऋतुराज गायकवाड़ को, तो उसके बाद सभी को पता चला कि भाई अभी धोनी कैप्टन नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के। आज भले ही महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के कैप्टन ना हो, लेकिन उनका योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहेगा उनकी टीम के लिए। धोनी ऐसे प्लेयर है जिनकी कप्तानी में चेन्नई ने 226 मैच खेले और उनमें से चेन्नई ने 133 मैच में जीत हासिल की है। उनकी जो जीत का प्रतिशत है लगभग 60% के आसपास है, जो किसी भी कैप्टन के लिए बहुत ज़्यादा है आईपीएल में। धोनी ने बतौर कप्तान 4,660 रन भी बनाए हैं और उनके बल्ले से 22 अर्धशतक यानी कि 22 50 भी निकल चुकी है। धोनी ने सही टाइम पे जो अपनी कैप्टनसी है वो ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रांसफर की है। ये बहुत ही अच्छा समय इसलिए है क्योंकि जो आने वाले जो यंग प्लेयर्स हैं उनको भी कैप्टनसी के बारे में थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए और कैसे सिचुएशन में कैसे डिसीजन लिए जाते हैं वो अभी महेंद्र सिंह धोनी उनको सिखाएंगे। और आने वाले बेहतरी के लिए, चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका क्या कहना है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी आईपीएल की अपडेट आप तक पहुँच सके।